है दिए गए चित्र में ए बी आर, एक्चुअल में ये आर होना चाहिए था, ये गलत दिया है, मैं इसको सुधार देता हूँ, यहाँ पे आर होना चाहिए था, ABR, ठीक है। ABR समरूप है PQR के, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यदि PQ बराबर दिया हुआ है, PQ किधर है, यह दिया है 30 सेंटीमीटर, AR कितना दिया है 45 सेंटीमीटर, और यहाँ AP जो है 72 है, और QR जो है QR 42 है। तो हमें PR कहाँ है, PRG, यह रहा PR, ठीक है, PR निकालना है और BR निकालना है, तो PR और BR निकालना है। चलिए तो देखते हैं इसको। तो हमारे पास यहाँ पे त्रिभुज ए, अच्छा ये तो पहले PR निकाल देते हैं, ऐसे निकल जाएगा PR की बात करें, यहाँ PR की, तो टोटल आपका AP में से अगर AR घटा दे तो नहीं निकल जाएगा, तो इसको समरूपता से निकालने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही आ जाएगा, 72 सेंटीमीटर माइनस का 45 सेंटीमीटर कितना जाएगा, यहाँ से आपका PR जो है वह 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चलिए, त्रिभुज ABR समरूप है त्रिभुज PQR के, यह दिया हुआ है, ठीक है, यह दिया है। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अगर मैं इसमें का एक भुजा लेना चाहूँ तो AB से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, AB तो मैं निकालना नहीं है, BR निकालना है। तो अगर मैं इसमें का BR लेता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे QR लेना होगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरा अगर मैं इसमें का AR लेता हूँ तो यहाँ पे इसमें क्या लेना होगा, अगर मैं AR लेता हूँ तो यहाँ PR लेना होगा, सिंपल है। चलिए इतना से ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ BR से ही तो मतलब है, BR और बटा में QR, तो QR का वैल्यू है 42, QR आपका 42 है, देख रहे हैं ना, QR आपका 42 है। अच्छा AR, तो AR आपका है 45, और PR, तो PR अभी निकाला है 27, ठीक है। अच्छा देखो, इसको काट सकते हैं ना, यहाँ पे 9 3 27, 9 5 45, तो BR बराबर हो जाएगा 5 × 42/3, 3 से इसको काट देंगे 14, 14 5 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर यह आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर